गोवर्धन क्षेत्र के गांव अडिंग में रात्रि करीब 10 बजे संविदा कर्मी लाइनमैन की मृत्यु हो गई, वहीं दूसरा सहायक बिजली से झुलस गया। इसकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। हादसा शटडाउन के दौरान लाइट खुलने के चलते हुआ बताया गया है। दोनों बुरी तरीके से झुलस गए हैं। दोनों को चिंताजनक स्थिति में मथुरा ले जाया गया, जहां लाइनमैन दिनेश यादव पुत्र नवल की मौत हो गई। वहीं दूसरा सहायक मुकेश यादव पुत्र गुलाब सिंह मथुरा के निजी अस्पताल में भर्ती है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार दोनों लोग शनिवार देर रात्रि करीब 10 बजे अडिंग आदर्श जनता इंटर कॉलेज के निकट स्थित ट्रांसफार्म पर कार्य कर रहे थे। इसी बीच शटडाउन के दौरान लाइट आ गई। 1100 केवी की लाइन से दिनेश झुलस कर खम्भे से नीचे गिर गया। वहीं मुकेश चिपक कर उसका हाथ बुरी तरीके से झुलस गया एवं पेट की आंतें निकल आईं। स्थानीय चिकित्सकों ने उन्हें तत्काल मथुरा के लिए रेफर कर दिया। आनंद फानन बाजार में मौजूद ग्रामीणों ने मथुरा ले गई और फोन से परिजनों को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही बाजार में भीड़ इकट्ठी हो गई। वहीं दोनों ओर घरों में रो रो कर बुरा हाल है। नाम आपका? ऋषि। कहाँ के रहने वाले हैं? अडिंग के रहने वाले हैं। क्या मामला हुआ बताओ, करंट लगा के? मामला ये हुआ है कि यहाँ पे ये दिनेश और वो मुकेश हैं, दो लड़के, और उन्होंने पूरे फील्ड को संभाल रखा था यहाँ पे, और वो ज्यादातर ट्रांसफार्मर पे वही लोग थे। पता नहीं आज मैंने जब भी देखा उन लोगों को, एक लट्ठा पे खड़ा रहता, एक नीचे से नेट देता था, ठीक है ना। और लेकिन आज कैसे वो पता नहीं, कब से प्लानिंग थी कि ये कब लट्ठा पे चढ़े दोनों के दोनों और कब हम लाइट को छुड़वाएं। ये बहुत पहले से शायद उन लोगों ने प्लानिंग थी, और उन लोगों ने जानबूझ के इन लोगों को मारा है, जानबूझ के मारा गया है। सच्चाई बिल्कुल, अगर ईमानदारी से काम होगा तो सच्चाई बिल्कुल निकल के आ जाएगी सामने। क्या पोजिशन है उनकी, कहाँ ले गए उनको? पोजिशन ये है कि दिनेश है जो खत्म हो चुका है स्पॉट पे, और मुकेश है उसकी स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। इनको जानबूझ के मारा गया है। अगर सच्चाई बिल्कुल भी, अगर इतनी सी भी ईमानदारी से काम होगा तो सच्चाई एक मिनट में ये देखिए, आप दिखाइए पत्रकार महोदय, तारा लगा के भाग चुके हैं ये लोग, रजिस्टर को लेके भाग चुके हैं। कौन है लाइट शटडाउन था इनका? बिजली घर आए तो कोई नहीं मिला यहाँ, कोई नहीं मिला है। आप खुद आए हुआ, आप जाके नहीं देखिए ताला लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। ये लोग भाग चुके हैं, रजिस्टर को लेके भाग चुके हैं, उसमें हेराफेरी कर सकते हैं किसने लाइट छुड़वाई। ये पुलिस का, प्रशासन का काम है देखने का कि कैसे किसने शटडाउन, कैसे ये हवलदार, उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। ये जनता खड़ी हुई है, सब मांग कर रही है इस बात की, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। हम कोई भी प्रशासन के खिलाफ में कोई कार्रवाई वो नहीं कर रहे हैं उदमबाजी, हम अपना काम करना चाहते हैं, हमारे बच्चों के न्याय मिले और जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हेमराज, कहाँ के रहने वाले हैं? अडिंग गांव के। क्या मामला हुआ है बता रहे हैं? दो आदमी करंट लगा, कौन है भैया, कहाँ के रहने वाले? मुकेश यादव और दिनेश यादव दोनों आए, आंच लग गई थी तो दोनों ने आंच बुझाई, जब तो लाइट आ नहीं रही थी, तो उसके बाद में जैसे ही ये घुसे उसके बाद में लाइट एकदम आई दोनों गिर पड़े। तो ट्रांसफार्मर में आग लग रही थी पहले से? हाँ जी, आग लगने के बाद चली गई। तो ये उसको बुझाने के लिए? आग लगाने बुझाने के लिए जैसे आए है ना। तो दोनों लाइनमैन थे क्या? हाँ, दोनों लाइनमैन थे, और जैसे ही आए तो तुरंत लाइट आ गई जैसे घुसे उसमें। क्या हालत दोनों की? अब तो शायद हो सकता है कि गंभीर हालत है, गंभीर बहुत ज्यादा तगड़ी हालत है। तो कहाँ ले गए दोनों को? दोनों की मथुरा ले गए, दोनों को अडिंग में भी ले गए थे, पर कोई सुधार नहीं हुआ। वार्ष्णेय इंटरनेशनल स्कूल इंग्लिश मीडियम CBSE की नवीन प्रणाली द्वारा शिक्षण व्यवस्था, नर्सरी से कक्षा 9 तक एडमिशन ओपन, खेलने के लिए बड़ा प्लेग्राउंड एवं झूले, योग्य एवं अनुभवी शिक्षक, 2.5 एकड़ का स्वच्छ एवं हरियाली युक्त विद्यालय परिसर, कम फीस में उत्तम शिक्षा, 3 बच्चों पर 1 की फीस माफ, फ्री हेल्थ चेकअप, आधुनिक साइंस एवं कंप्यूटर लैब, बस फैसिलिटी, CCTV, RO वाटर, जनरेटर आदि बेहतरीन सुविधाओं और भारतीय संस्कृति के साथ बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए तत्पर आपका अपना वार्ष्णेय इंटरनेशनल स्कूल लोवन मथुरा।